फिल्म रक्षाबंधन फेम सादिया खतीब ने दिया इंटरव्यू। सादिया ने फिल्म में निभाए उनके किरदार के बारे में भी बात की और पहली बार अक्षय कुमार के साथ काम करके उनको कैसा लगा उस पर भी बातें की। आइए देखते हैं पूरी वीडियो। Great to have you. The kind of response Raksha Bandhan has got. I was just seeing the premiere and the people came out with the emotions, with the tears in their eyes. And there are so many people who said that it's very emotional movie for the brother and sister. Raksha Bandhan mein aayi kafi like ek aise samay pe aayi movie jo kafi important thi logon ke liye. Aapke kaam ko bhi kafi saraya gaya. Aap kya kehna chahoge? Kis tarah ka response aapko mila pehle? What was the one thing that you really like about the people now, the kind of response? In the first movie you got the best debut award and now it's a second movie for you, and doing a second movie for with Akshay Kumar sir is like a dream come true for any girl. Tell us something about the process, about the journey. Professional level, personal level, we have earned these relationships, we have made this great family bond. I am extremely happy and grateful to the rest. And after now it has been like 1 week, 2 weeks. So any reviews that you got to know about your role, कोई ऐसी बातें जो काफ़ी common हो, reviews की बात करें, and do you see the reviews? How much reviews do you get? I see. I've been posting also some on my page, on my Instagram page. I do love it, especially when people are telling me that aap unki jaan ho, you're so wonderful, stuff like this. Or when people appreciate your work, for an artist it's always a great thing. So, but then when this time it's coming from directors or actors or my family or my relatives, it's just beautiful feeling. कितनी खुशी होती है जब इस तरह के डायरेक्टर हो जिन्होंने इतनी सारी मूवीज़ की है जो आपको डायरेक्ट करे, जो जब आपको पता चला ही विल बी द डायरेक्टर एंड अक्षय कुमार सर है, तो लाइक इट्स सो मेनी थिंग्स इन द मूवी इट्सेल्फ, कितनी खुशी होती है आपको? बहुत खुशी होती है। हर एक्टर का ख्वाब होता है कि वे अपने फेवरेट डायरेक्टर्स के साथ, एक्टर्स के साथ काम करें। मुझे ये मौका मेरी दूसरी फिल्म में मिल गया। यस, तो ये तो कोई सवाल ही नहीं। एंड क्या कहना चाहोगे अक्षय कुमार सर के साथ पहली मुलाकात में क्या कुछ हुआ और ड्यूरिंग एंड ऑफ द शूट क्या कुछ बातें हुई, कुछ पता ना जाएगी? पहली मीटिंग मेरी उनके घर पे हुई थी जब हम लोगों की रीडिंग थी। वो काफ़ी रीडिंग करते हैं फिल्म से पहले, अपने कैरेक्टर को पढ़ते हैं, पूरा काफ़ी होता है। मेरा पहला दिन था और मैं पहली बार वहाँ गई थी और रीडिंग के लिए। एंड आई रिमेंबर सीइंग एंड देन रियलाइजिंग वाओ इट्स रियल। मैंने उन्हें पर्दे पे देखा है ना, ओनली सीन अ वेरी टैलेंटेड मैन, यू नो, डूइंग दिस थिंग विद सो मच ईज दैट वी नेवर थिंक दैट वॉट गोज बिहाइंड इट। बट व्हाइल वर्किंग विद हिम आई रियलाइज्ड, ओह माय गॉड, ही इज रियली अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग मैन। फ्रॉम वेयर ही हैज कम, फ्रॉम वेयर ही हैज रीच्ड, व्हाट ऑल ही हैज डन टू अचीव, इट्स ट्रूली कमेंडेबल। यस, यू कांट इवन इमेजिन द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड द अमाउंट ऑफ टैलेंट ही हैज पुट इन to serve what he has been doing all these years. And as an actor, to get an opportunity where I could see that in person, where I could live that with him, I was like, yeah, my God is really happy with me. That's why maybe he's giving me these opportunities.
एंड एनी स्टोरी लाइक ऑन द सेट वुड यू लाइक टू से, क्योंकि काफ़ी सारी स्टोरी हो जाती है. अक्षय सर तो हमें पता है, जब एक्टर्स बात करते हैं उनसे काफ़ी हेल्प करते हैं, वो रोल के बारे में काफ़ी सीरियस रहते हैं. आपको कुछ ऐसे जो ही सेड लाइक दिस इज वेरी ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट, कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट किया हो आपको? उन्होंने कभी भी ऐसा महसूस होने नहीं दिया कि बहुत बड़े स्टार हैं और हम छोटे से एक्टर्स हैं. उन्होंने सिर्फ इनकरेज किया, उन्होंने सिर्फ अपनी पॉजिटिव हाई स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ सेट को हमेशा लिफ्टअप किया. प्रमोशन के टाइम पे भी उन्होंने यही सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे साथ में जितने एक्टर्स थे हम सबको उन्हें बांट के उन्होंने बहुत प्यार और बहुत दिल से गाइड भी किया. यस, एंड हाउ यू गॉट दिस रोल? Yeah. And working with Anand sir was my dream as well. So I reached out to him whenever I get an opportunity to work, and he told me he's already seen Shikara and he's already thinking of me to do something. And then 1 year later, he told me. And if you want to pick like any movies of Anand sir that have inspired you from being an actor, so which will be that? There's so many. I think I love Ranjana. I really love Ranjana. I really love Kamal's Mark. So I think these are the movies which I think of and really like. Yeah. And what about Akshay sir? Oh, which not? Yeah. That's so big list. Exactly. I guess I have to pick you like I have told you two. Let's count them five. Any five movies that you love. Welcome, Namaste, London. Phir Aapki Two. And so many. Jaane Man. I can't think. रक्षाबंधन 5 ऑलरेडी हो गया. रोबोट अभी जो आई थी, वाओ. यस, टॉक अबाउट इट, डू यू सी व्हाट ही जस्ट प्लेड? एंड देयर आर मेनी मेनी मेनी. 6 बोला, 5 बोला, 5 बोला, 6 हो गया. आई थिंक आई शुड टेल यू द 10, वो भी कम रहे तो आपके लेते. और हम जब बात करें आपकी जो पहली मूवी थी उसके लिए बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला, इस मूवी के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, किस तरह के अवार्ड्स के नॉमिनेशन में आप हो गए? मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ प्रे कर रही हूँ कि अगर लोगों को जनरली काम अच्छा लगे तो आगे. स्टोरी लाइन की मैं बात करूँ, जब हम स्टोरी लाइन देखा था, जितना भी ट्रेलर में मैंने देखा है स्टोरी लाइन में, देर इज दिस गर्ल्स हु आर नॉट गेटिंग मैरिड एंड अक्षय सर उनकी जिस तरह का रोल, आप क्या कहना चाहोगे? आपको जब स्टोरी लाइन के बारे में पता चला लाइक यू आर प्लेइंग दिस, यू आर प्लेइंग द सिस्टर रोल, तो आपको क्या कुछ स्क्रिप्ट में पहले ढूंढ रहे थे आप? स्क्रिप्ट में सबसे पहले आप क्या क्या ढूंढे लाइक द स्क्रिप्ट, व्हेन यू गॉट द स्क्रिप्ट? ऑनेस्टली मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो मैं अपने लिए ये ढूंढती हूँ कि इसमें मेरा करियर को क्या है. यस, फिर मैं देखती हूँ कि मेरे कैरेक्टर से क्या इन्फ्लुएंस हुआ. ये कहानी ऐसी है जिसमें सबके लिए करने को बहुत कुछ है और सब इट्स इंस्पायरिंग. द स्टोरी इन इटसेल्फ इज सो इंस्पायरिंग. इट हैज बीन रिटन सो वेल दैट एनीबडी हु विल वॉच दिस विल टेक अवे समथिंग. यस, कॉमेडी हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो सब्जेक्ट. मैंने कहीं पे पढ़ा भाई ने लिटरली ब्रदर हैड समवेयर रिटन दैट आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म आई एम नॉट गोना फोर्स माय सिस्टर टू गेट मैरिड. या That's a huge comment. Yeah, it was a like family movie. So what was your response from your family? They were happy. My father loved this film right from the beginning when he heard about it. He was like, you should do it. And then when my brother saw it, he was like, I was not expecting it to be this good. I was like, why? He was like, no, I never thought. I thought it would be just another commercial Bollywood movie. And so was my, I took my cousins and my Masi also for the premiere and they were like really crying. And like, yeah, that's so beautiful. You were emotions like when you saw the movie, क्या आप थोड़े भावुक हुए उस समय? I was choking about my heart was full because I come from a place where I know that it's normal. Yes.
शादी हर घर में, लड़की की शादी स्पेशली हर घर में सबसे बड़ा टॉपिक होता है। माँ बाप कहते हैं कि द फर्स्ट थिंग व्हेन अ गर्ल गेट्स ओल्डर द टारगेट इज टू गेट हर मैरिज। यस, पढ़ाई कराते हैं, कॉलेज भाई कितनी भी बढ़िया, हम इस फैक्ट से डिनाई करें, एक्सेप्ट करें, हम बॉम्बे जाएँ, अमेरिका जाएँ, किस भी सिटी में चले जाएँ, कितना आगे बढ़ पाएँ, आज भी बहुत सारी जगहों पर मेजॉरिटी में लड़की की शादी बहुत बड़ा मुद्दा है और वो स्ट्रगल आई नो इट्स रियल। सो व्हेन माय फैमिली सॉ इट, थैंकफुली इट्स नॉट माय केस, बट व्हेन माय फैमिली सॉ इट, दे कुड रिलेट टू इट, एवरीबॉडी कुड रिलेट टू इट, एंड दैट्स व्हाई दे गॉट इमोशनल। सो डू यू थिंक नाउ द पीपल द पीपल हु हैव सॉ दिस मूवी हैव चेंज द माइंडसेट, क्या लगता है आपको कई हद तक चेंज हुआ रहेगा? लाइक आई टोल्ड यू अबाउट द स्पेसिफिक मैसेज, यस, इसमें कि लाइक आई नॉट इंसिस्ट माय सिस्टर्स टू गेट मैरिड नाउ, ऐसी जो एक दो कमेंट, देखो ये इवेंचुअली एक फिल्म है, ये 10 लोगों को इंस्पायर करेगा, एक इंसान को इंस्पायर करेगा, बस इंस्पायर करना चाहिए, और अगर ये कर लिया तो एज अ फिल्म मेकर हम लोगों का काम सफल है। यस, एंड कितनी खुशी होती है लाइक हम जब एक्टर बनते हैं, लाइक कमिंग फ्रॉम, लाइक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कमिंग फ्रॉम कश्मीर, राइट? कमिंग फ्रॉम कश्मीर, हम जब बॉम्बे में आते हैं, वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू फ्रॉम योर लाइक स्टार्टिंग एज? वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट दैट? आपके प्रोफेशन में भी कितनी डिफिकल्टी तो रही होगी, सबके प्रोफेशन में, आपके वी ऑल हैव, वी कांट रन अवे फ्रॉम दैट, यस, वी स्ट्रगल, वी हैव टू स्ट्रगल, एंड टुमारो व्हेन यू विल अचीव, यू विल बी लाइक इट्स ऑल वर्थ इट, इवन इफ यू आर एन इंजीनियर और यू आर अ डॉक्टर और यू आर एन एक्टर और यू आर जर्नलिस्ट, दैट्स ट्रू, व्हाटएवर यू आर। सिमिलरली आई आल्सो हैड माय शेयर ऑफ इट, स्टिल मे बी आई हैव सम ऑफ इट, आई कांट रन अवे फ्रॉम इट, एंड आई कांट डिनाई ऑल ओवर has its own ups and downs, and I'm pretty grateful because the downs make me more passionate, makes me work hard more, and the ups makes me happy. Yes. Like how I am today. Yeah, it's just like that. बट वेन वी टॉक अबाउट अक्षय सर, हम जब अक्षय सर की मूवीज़ के बारे में बात करें, लाइक ईयर में लाइक देर आर फोर मूवीज, फाइव मूवीज, ही डू मूवीज, सो मैनी मूवीज, सो उनसे आपकी लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग फ्रॉम हिम, द डिसिप्लिन इज द लाइक वो क्या आपने सीखा? मैं ये जानती हूँ कि एक फिल्म बनाते बनाते इंसान की जान निकल जाती है। हाँ, जो अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एक फिल्म बनाने में लगता है पूरे क्रू का, इंसान खत्म हो जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग दो दो साल में एक फिल्म ऐसा बनाते हैं। कितनी एनर्जी, कितना टैलेंट और कितना किस लेवल का हार्डवर्क है एक इंसान में, और कितना प्यार और पैशन है एक इंसान में फॉर दिस वर्क दैट ही इज मेकिंग सो मेनी फिल्म्स। एंड नाउ लाइक आफ्टर द सक्सेस ऑफ रक्षाबंधन, सो व्हाट डू यू ऑल एक्सप्लोरिंग, व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्लोर इन द फ्यूचर? What about the OTT platforms? Like last 2 years has been great for the OTT platform. The kind of response the OTT platform has got, it has been like the era of the OTT, and now it will be the future of India. So if you get a chance in the OTT platform to explore any role, so what will be that? It only depends on the role in itself. If the character is good, if the director's vision is correct, if they are right film makers making the right project, then I am open for all kind of platforms. I am open for theaters, I am open for OTT. There is no such thing as, you know, like a... And is there any director who called you after the movie to say about your role, like, I really enjoyed it? Any director, would you like to name it? I would not like to name it, I don't know if they'd be comfortable, but there are. Yeah. There are some really good directors that I look up to. Who said that, you know, I've done a great job? Any actor or actress? Like, I don't know if I can name them. You can. Is it fine? Yeah, let's not name, but yeah. For example, Anees sir, I said that you have done a great job. And
इसके अलावा आने वाले समय में कुछ ऐसी प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहो, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम योर साइड? अभी फिलहाल I have not signed anything. Yeah. So till I don't sign, I can't speak about it. Yeah, that's true. So there's no point to talk. Yeah. But yeah, inshallah, I'm hoping that now I'll do things. Lastly, what do you want to say to your fans out there? Any short message to them? My short message is very short. And it's coming straight from my heart. This film is still in theaters right now. Please go and watch it and decide it for yourself. And yeah, please give it some love. Thank you so much.